हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसवीसी। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन। अ सैटेलाइट इज इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेट पी। इट इज ऑब्जर्व दैट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज फर्दस्ट फ्रॉम द प्लेनेट इज 1/6, 1/6 टाइम्स ऑफ दैट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लेनेट। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड प्लेनेट एट क्लोजेस्ट एंड फर्दस्ट पॉइंट इज। पर एक डायग्राम बनाते हैं और जो गिवन है डाटा वो लिखते हैं। एक तो इलेप्टिकल पाथ बना लीजिए आप। और इस इलेप्टिकल पाथ के एक फोकस पर एक प्लेनेट बना लीजिए। ये मान लो आपका प्लेनेट है और एक सैटेलाइट है। ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी सैटेलाइट की और ये सबसे फर्देस्ट डिस्टेंस हो गई सैटेलाइट की। ये आपका सैटेलाइट हो गया। जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है इसको मैंने लेट कर लिया है आर वन, और जो फर्देस्ट डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे मैंने लेट कर लिया है आर टू। वैसे तो आर वन इज इक्वल टू होता है ए वन माइनस ई और आर टू इक्वल टू होता है ए वन प्लस ई। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस जगह पर याद होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस होती है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। इसे पेरिजी बोलते हैं, इसे एपोजी बोलते हैं। इस जगह पर इसकी मान लो वेलोसिटी वी टू है और इस जगह पर वेलोसिटी वी वन है और क्वेश्चन में गिवेन है ये द वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट वेन इट इज फर्दस्ट फ्रॉम द प्लेनेट इज 1/6 टाइम्स ऑफ दैट व्हेन द क्लोजेस्ट ऑफ द प्लेनेट। मतलब वी टू जिधर रखा है वो वी वन बाई सिक्स गिवेन है। ये गिवेन है बेटा कि जो जब आपका सेटेलाइट दूर होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जब सेटेलाइट पास होता है क्लोजेस्ट होता है उसके 1/6 टाइम्स है, ठीक है। होती भी यही है, वी वन ज्यादा होता है वी टू से। एक्चुअल में वी वन का फॉर्मूला भी हमें अगर याद हो तो ज्यादा बेटर रहता है, जी कैपिटल एम इन पॉइंट ए। जो ए होती है ना इसकी, ये सेमी मेजर एक्सेस होती है इसमें ए, और ये वी वन क्लोजेस्ट लिख रहे हैं तो वन प्लस ई मैक्सिमम होती है यहाँ पे, वन माइनस ई। और जो वी टू होता है वो रूट के अंदर जी कैपिटल एम बाई ए, वन माइनस ई और वन प्लस ई। ये अगर हमें याद हो, इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसे भी हो जाता है पर याद हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। चलिए देखो, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी। जब आपका कोई सैटेलाइट या कोई प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है या यहाँ पे कोई सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है, इलेप्टिकल पाथ घूम रहा है, तो दो क्वांटिटियां कॉन्स्टेंट रहती हैं, एक तो टोटल एनर्जी और एक एंगुलर मोमेंटम। ये दो क्वांटिटियां हैं जो कॉन्स्टेंट रहती हैं। यहां पर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट प्लेनेट एल कॉन्स्टेंट होगा, बिकॉज जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है ना, टॉर्क जो है आपका वो जीरो है, क्योंकि कोई भी फोर्स देखोगे कि इस प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स ऑफ की दर्शन है वो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस प्लेनेट से होकर जा रही है, इसलिए टॉर्क जीरो होगा। और टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अब एल कॉन्स्टेंट है तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एल कॉन्स्टेंट कर लो। तो एल लिख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे लिख देता हूं मास सैटेलाइट का अगर है, तो एम इस जगह पे लिख लेता हूं। आर वन वेक्टर ही होगा बेटा, और आर वन वेक्टर एम के बीच में जो एंगल है इस जगह पे 90 डिग्री है, इस जगह पे 90 होता है और इस जगह पे 90 होता है, 90 डिग्री आर और बी के बीच में, और किसी जगह पे 90 डिग्री नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में एम आर वी साइन थीटा होता है, और यहाँ थीटा आर और वी के बीच में एंगल होता है, तो इन दोनों पोजीशन पर थीटा 90 डिग्री होता है आर और वी के बीच में एंगल। तो लिखें तो एम आर वन वी वन साइन 90 की वैल्यू 1, ऐसी इस जगह पे लिखें एम वी टू आर टू, वैल्यू पुट कर दो। एम से तो एम का कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट क्लोजेस्ट और फर्दस्ट निकालनी है, पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर वन वी वन, वी वन है और आर वी टू की जगह पे बी वन बाई सिक्स और ये आर टू,
V1 से V1 कैंसिल कर दो। अब रेशियो निकालना है, क्लोजेस्ट वाला ऊपर रखना है और फर्दस्ट वाला नीचे। तो क्लोजेस्ट वाला मैंने R1 माना है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/6। चलिए रेशियो हो गया R1 R2 रेशियो 1:6, ये आंसर हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।